आर बैक और आज खर्चे होने वाले हैं। हो सकता है ऐसा लगे कि मैं सोके उठाऊ, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सोके उठाऊ और ठंडोरी थी मेरी फट रखी थी, लेकिन आप देखो यहाँ पे आ चुके हैं। आज हम खरीदने वाले हैं, मैं दिखाता हूँ क्या खरीदने वाले हैं। बूम वर्कआउट 10x फास्टर, ये चीज हम खरीदने वाले हैं। लेकिन वर्कआउट करने से पहले मेरे को एनर्जी चाहिए। आप देखो यहाँ पे मैं कर चुका हूँ टोटल 26 रीबर्थ, मजाक नहीं चल रहा है, 26 रीबर्थ बहुत ज्यादा होता है। देखो ये क्या, ये हलवा है मेरे लिए, ये मैं ऐसे इधर उधर ला सकता हूँ। आ जाओ जरा इस तरफ चलते हैं। ये देखो ये छोटू बच्चा मेहनत कर रहा है। ओए बिग हल्क, अरे मेरे कद्दू का बिग, मैं दिखाता हूँ इसको, दिखाना पड़ेगा कैसे करते हैं चीजें। आ जाओ, ये उठाया 5। पहले हम चीजें 3-3 उठा सकते थे, अब 5 उठा सकते हैं, प्रेजेंट को छोड़ के। प्रेजेंट ज्यादा नहीं उठा सकते, ये लोग गेम वाले कंजूस है। ये देखो इतना सारा कचरा मैं ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, और ये कर लिया बूम 1 बिलियन एनर्जी। और ये देखो इस बच्चे को ये कर रहा है यहाँ पे 4x वर्कआउट पे। लेकिन अब आ जाओ वर्कआउट करके देखते हैं, मेरे डिस्को एरिया पे, डिस्को एरिया पसंद है मेरे को। आ जाओ ये रखा वर्कआउट, ये मैंने दबाया, अब देखो ये कितने धीरे होता है। ये देखो ये आराम से कर रहा है, बैठ रहा मजा नहीं आ रहा। हम जाएंगे शॉप पे और ले लेंगे 10x वर्कआउट स्पीड, यस प्लीज। 500 रोबक्स जाएंगे मेरे यहाँ पे, लेकिन हमें मिलेगा 10x वर्कआउट स्पीड। तो ये मैंने कर दिया, ओके। आ जाओ अब देखते हैं अब कितना फास्ट है हम। आ जाओ रेडी, यस। अब हम काफी तेज हो चुके हैं, देखो काफी तेजी से ये कर रहा है। पहले बहुत ही स्लो था, लेकिन अब ठीक ठाक फास्ट है। ये देखो लीडर बोर्ड में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। 26 रिबर्थ में कर चुका हूँ, लेकिन 26 से क्या होगा, अपने को बहुत सारी रिबर्थ चाहिए। 100 रिबर्थ करना मेरे को कम से कम, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफी टाइम लग जाता है एक्सरसाइज करने में। लेकिन तुम्हारा भाई ताकतवर बनेगा और एक्सरसाइज बहुत ठोकेगा। क्या ये 10x स्पीड है, काफी है 10x स्पीड, देख रहे हो। खैर आ जाओ जरा हम देखते हैं क्या और क्या उठाया जा सकता है। आ जाओ इधर पे जाके देखते हैं प्लेनेट। आओ कितने प्लेनेट उठा पाऊंगा मैं, 5 प्लेनेट, ये 5, ये 3 प्रेजेंट भी दे दो हमको, थैंक यू। ये कौन है यहाँ पे, 3 प्रेजेंट ले लिए मैंने, 3-5 और ये प्लेनेट और 5 रॉकेट, मेरे को लगता है इतना सब मैं ले जा पाऊंगा। ये देखो कितना कचरा हो गया। और ये बंदा भी यहाँ पे आ गया, मैक्स नाम है इसका। ये क्या कर रहा है, इसके 14 रिबर्थ है, अरे छोटे हट जा। ओके ये बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, ये नहीं ले जा सकते हम। क्या इतना मैं उस पार ले जा पाऊंगा, आ जाओ पता करते हैं। ओके काफी टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, आखिरकार हम इधर पहुंचा ही पाए इसको। ये देखो और आ गया मजा, आखिरकार मजा आ गया। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे करना बेकार होगा, बहुत बहुत बर्बाद होता है यहाँ पे एक्सरसाइज करने से। तो अपन यहाँ पे करेंगे वापस से 10x की रफ्तार से। आ जाओ ये कौन सा कोड है, हटाओ कोड को। ये देखो 10x की स्पीड से अपन एक्सरसाइज वापस चालू कर चुके हैं। एक काम करते हैं, जैसी 80,000 स्ट्रेंथ होगी तब देखेंगे रिबर्थ का ऑप्शन आएगा कि नहीं। 1 मिलियन लग रहा है एक वर्कआउट करने में, लेकिन कोई बात नहीं, क्या नए रह के TNT को उठा पाएंगे, अभी जाके पता करते हैं। रुको जरा मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज करने दो, 75 तक होने दो, तब अपन उधर जाके देखेंगे क्या हम खोल पाएंगे TNT को। ए मैक्स हट जा, मैक्स छोटे हट जा सर। ये मैक्स पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को डिस्टर्ब करने आ रखा है ये, हट जाओ। पता नहीं ये क्या कर रहा है, बहुत अजीब आदमी है, इस पे कोई स्पीड नहीं है। देख लूप कितने तेज करता हुआ, देख इधर देख मैक्स। ये देखो ये कितने धीरे कर रहा है और अपन कितने तेज कर रहे, देख रहे हो, यही फर्क होता है नूप और प्रो में। क्या मतलब मैंने पैसे खर्च किए। और बूम 75,000 स्ट्रेंथ हो चुकी है और रिबर्थ का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन मेरे को अभी रिबर्थ नहीं करना। अरे इतने से क्या होगा, अपने को बहुत एनर्जी चाहिए। ये देखो ये कैंडी वाला मोड है, कैंडी कुंडी मैं ऐसी उठा देता हूँ। ये देखो बच्चों की कैंडी उठा के मैं चोरी कर दूंगा, ये लो आ जाओ कैंडी और प्रेजेंट। यस सेंटा क्लॉस नहीं हूं मैं, लेकिन मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। बूम यहाँ पे छोड़ दिया, क्या हम उस पार जा पाएंगे, पार तो मैं शायद ऐसी जा सकता हूँ। ये देखो आराम से उस पार जा सकते हैं। एक काम करते हैं टेलीपोर्ट मारते हैं सीधा रेट्रो एरिया, तो यहाँ पे अपन सीधा टेलीपोर्ट कर गए। आओ उस पार जाके देखे क्या हम जा पाएंगे उस पार। अभी पहले तो मैं आराम से जा सकता था, लेकिन फिर मैंने रिबर्थ कर दिया था, लेकिन अभी जा सकते। ये देखो ये खुल गया दरवाजा, खुल जा सिम से, और ये पहुंच गए इधर। क्या मैं इस चीज को उठा पाऊंगा, बूम ओके। और ये तो बहुत भारी है, इसको नहीं उठा सकते, मेरे को नहीं लगता मैं आगे की चीजें उठा पाऊंगा, बहुत कम स्ट्रेंथ है हम पे। लेकिन क्या इस दरवाजे को मैं खोल पाऊंगा, यस बिल्कुल हाँ, यहाँ पे इसको भी खोल देंगे। ये बहुत भारी होता है असल में, इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन क्या हम इस चीज को हरा पाएंगे, क्या हम इस पार जा पाएंगे। आ जाओ और पता करते हैं, पार गए तो हम लास्ट लेवल भी अनलॉक कर देंगे, मेरे को लग नहीं रहा है उस पार जा पाएगा ये, जैसा कि मैंने बोला था। आ जाओ जरा वर्कआउट कर देते हैं, मेरे को पता ये करने से बहुत बर्बाद होता है, लेकिन कोई बात। और खत्म, वाह ये बहुत बेवकूफ बनाने वाली चीज है ये 10x वर्कआउट, कभी भी नहीं करने का, ये बेवकूफ बनाता है। मेरे पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हो रहा था तो मैंने कर दिया। ये है असली, ये देता है असली स्ट्रेंथ, देख रहे हो, वो 1 बिलियन खा गया मेरी एनर्जी और कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं कितना एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, और ये बुलबुले क्यों उठ रहे हैं। रुको जरा, क्या इस एक्सरसाइज के बाद मैं इसको हिला पाऊंगा, ये चिड़िया को, चिड़िया नहीं क्या नाम है इसका, सी मॉन्स्टर, क्या मैं इसको हिला पाऊंगा। आ जाओ अभी पता करते हैं, पहले मैं जरा फटाफट एक्सरसाइज पहल दूं, काफी टाइम नहीं लग रहा है, काफी तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। 10x स्पीड, 500 रुपया लगा है इस पे। ओके तो यहाँ
यहाँ पे हो चुका है खत्म, क्या हम इस चीज को उठा पाएंगे? यस भाई थोड़ी मदद करियो मैक्स, मैक्स माय ब्रदर, भाग्य है किसी काम का नहीं हटाओ, मैं खुद ही कर दूंगा, मेरे को जरूरत नहीं मदद की। और ये पत्थर यहाँ पे कैसे पड़ा है? ओके ओ मैक्स, मैक्स उठा पा रहा है, मैक्स पे मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, 47 मिलियन, देख रहे हो एक मच्छी से हमें 47 मिलियन मिला, काफी टाइम लग गया इसको खींचने में। आ जाओ थोड़ा सा वर्कआउट कर देते हैं। तो ये होने लग गया वर्कआउट अपना कम्प्लीट, 2-4 रिवर्स एक साथ लेंगे तब आएगा मजा। ओके और यहाँ पे फिर से एनर्जी खत्म हो गई, अब चलते हैं अपने एरिया पे, डिस्को एरिया। यस यहाँ पे मस्त उठाऊंगा मैं, ये देखो ये डीजे है, कितने डीजे उठा सकता हूँ मैं, तीन डीजे उठा सकता हूँ मैं। जैसे जैसे अपन रिवर्ट करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उठा पाएंगे। और ये देखो ये यहाँ का ग्लिच है, जब भी मैं डीजे पकड़ता हूँ मैं उड़ने लग जाता हूँ, ये देखो बहुत ही बढ़िया, न जाने क्या सीन है यहाँ का। लेकिन ये हटाओ, हम उठाएंगे स्पेस, मेरे को प्लेनेट उठाने का है। अब देखो स्टार्ट में हम उठा सकते थे 3 प्लेनेट, अब हम उठा सकते हैं 5, इट इज गुड। 5 प्लेनेट उठा के तुम्हारा भाई खींच के फेंक देगा, ये देखो कोई दिक्कत ना है, अभी मुश्किल हो रही है वैसे ये खींचने में, लेकिन हाँ खींच ही लिया तुम्हारे भाई ने। एक काम करते हैं स्टार्टिंग के एरिया में जाते हैं, देखते कौन है वहाँ पे, मैं कितना बड़ा हूँ। ये देखो बिल्डिंगों पे भी बर्फ पड़ चुकी है, क्या मैं चढ़ पाऊंगा? यस मैं बिल्डिंग पे चढ़ गया, क्या मैं तोड़ पाऊंगा इन बिल्डिंग को? तोड़ नहीं सकते। आ जाओ यहाँ पे देखते क्या उठा सकता हूँ मैं, फेदर उठा सकते हैं हम 7-8 फेदर, प्रेजेंट उठा सकते हैं, टॉयलेट उठा सकते हैं 8, और बूम। अरे ये क्या हुआ? ओके ये पता नहीं ग्लिच हो गया, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं उड़ा के ले गया इन चीजों को। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ जरा इस चीज को उठाएं, टायर उठा लेते हैं। ये देखो ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, देखो इतने आसानी से हो जा रहा है। इस चीज को उठाते हैं, सोडा को, सोडा, और ये मेरे को दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे क्या है, मैं बस उठा रहा हूँ। ओके टर्की टुर्की सब उठा दिया, और बूम ये बार बार क्यों खुल रहा है? तो हाँ यहाँ की चीजें आसानी से उठाया जा सकता है। याद है वो समय जब हम एक ट्रैक्टर नहीं उठा पाते थे, अब तुम्हारा भाई 4 ट्रैक्टर उठा के हवा में उड़ा सकता है। ये देखो बिल्कुल मजेदार मजाक बना रखा है ट्रैक्टर का। तो हाँ ट्रैक्टर तो आराम से उठ जाता है, बाकी चीजें उठाते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं गया भी नहीं फिनिश लाइन पे, ये पहले ही पहुंच गया। ये देखो ये चीजें भी हम उठा नहीं पाते थे पहले, अब हम आराम से उठा सकते हैं। ये हाइड्रा भी अपने लिए मुश्किल हुआ करता था, ये देखो हाइड्रा, यस, लेकिन अब 4 हाइड्रा एक साथ उठा सकता है तुम्हारा भाई, बिल्कुल मजाक बना रखा है। ये वॉचर बॉट, ये सारी चीजें तो मैं उठाई चुका था। अरे बहुत आसान है तुम्हारे भाई के लिए, बहुत आसान है ये, इट इज इजी। ये देखो ये भी खींच दिया, आ जाओ इधर करते हैं और फिर करते हैं एक्सरसाइज, मेरे को ताकत की जरूरत है। 600 मिलियन, आ जाओ, क्या हम 600 मिलियन की एक्सरसाइज कर पाएंगे? ओके स्टार्ट। तो यहाँ पे अपन 600 मिलियन उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल पानी की तरह जा रहा है 600 मिलियन, 2-4 रिबर्थ एक साथ मिल जाए मजा आ जाएगा। 75,000 स्ट्रेंथ का एक रिबर्थ है, यानी कि लगभग 1 मिलियन करूंगा तो शायद से 10 रिबर्थ हो जाएगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, पता कर लेंगे। देखो 600 मिलियन था, 500 मिलियन ऐसे ही हो गया, 300 मिलियन बाकी है सिर्फ, 200 मिलियन बाकी, 100 मिलियन बाकी होने वाला है। तो बूम एक्सरसाइज अपनी खत्म हो गई, 85 के नहीं हो पाए एनर्जी, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ चलते हैं अगली जगह पे, अपने को जाना है अगली जगह, खुलनी है इससे अगली जगह। यस क्या मैं इस जगह को खोल पाऊंगा आज? आ जाओ पता करते हैं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा उस पार या फिर मैं यहीं अटक जाऊंगा, आओ देखें, लेट्स सी। और ये एंकर हिलता हुआ तो नहीं दिख रहा मेरे को, शायद से नहीं हो पाएगा। बुद्धू कट गया, अपने को और ताकत की जरूरत है। क्या मैं डायनासोर हिला पाऊंगा? आ जाओ देखते हैं, ये छोटू डायनासोर पकड़ लेता हूँ, क्या मैं 4 एक साथ ले जा पाऊंगा? ओके 4 तो हिल भी नहीं रहे, मेरे ख्याल से 1 ले जा पाएंगे। ये कितना छोटू सा डायनासोर है, देखो छोटे डायनासोर को इधर पटक देंगे, आओ देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ मिलती है इससे अपने को। 37 मिलियन, कोई बात नहीं, बुरा नहीं था, 37 मिलियन की मैं एक्सरसाइज ठोक दूंगा यहाँ पे, क्योंकि व्हाई नॉट। लेकिन हम उस पार नहीं जा पाएंगे शायद इस बार, अगली बार तो मैं खैर बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन आ जाओ इधर देखते हैं क्या मामला चल रहा है। हेलो देखते हैं ये बॉल कितनी उठा पाऊंगा मैं, क्या मैं 4-5 बॉल एक साथ ले जा पाऊंगा? 9 बॉल, क्या मैं 9? ओके 9 बॉल तो हिल भी नहीं रही है, 4 बॉल ले जा पाऊंगा क्या मैं एक साथ? यस हम 4 बॉल ले जा सकते हैं। यस ओके 4 बॉल ले जाने में टाइम काफी लग रहा है, लेकिन 4 बॉल मैं ले जाके ही मानूंगा, इधर उधर करके मैं पहुंचा ही दूंगा 4 बॉल को। 4 बॉल ले जाना मेरा फर्ज है, ठीक है कोई फर्ज नहीं है, बकवास कर रहा हूँ, लेकिन 4 बॉल आजा कमान बवासीर, एक आम समस्या है। 4 बॉल से कितनी एनर्जी मिलेगी हमको? 1 से मिलती है हमें 33 मिलियन, ओके तो काफी एनर्जी मिल गई। आओ इसको भी वर्कआउट पे बहा दे, क्योंकि व्हाई नॉट। ये रही 100 मिलियन की एक्सरसाइज, और मैं मार देता हूं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया अभी वर्कआउट, 1.5 मिलियन का हो चुका है लगभग, अभी करते करते 10 मिलियन का हो जाएगा ये। लेकिन अपन करेंगे एक्सरसाइज, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा हमको अगर ताकतवर बनना है। तो ये हो चुका है एक्सरसाइज कंप्लीट, आ जाओ देखते क्या इस बार मैं उस पार जा पाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा इस बार भी मैं उस पार जा पाऊंगा, लेकिन आ जाओ ट्राई करके देखते हैं। मेरे ख्याल से 100 के स्ट्रेंथ पे जा सकते हैं उस पार, 86 के फिर भी कम है, लेकिन आ जाओ खींच के देख लेते हैं। 3-2-1 बूम, मेरे को क्या ये हिल रहा है, लगता है हिल रहा है, ताकत कम पड़ गई। खैर अभी के इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में तुम्हारा बहुत शक्तिशाली बन के आएगा और इस चीज को भी पटक देगा और करेंगे 10-20 रिबर्थ एक साथ। यस तब तक के लिए बाय बाय।